हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आप सभी के लिए एक न्यू वर्ड्स की फ्रेजेस लेकर आई हूँ। होप सो आप सभी ने प्रीवियस वीडियो की फ्रेजेस अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और वो आपको याद हो गई होंगी। सो फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया वर्ड है आज हमारे पास फ्रॉम यू। तो फ्रॉम यू हम कैसे बनाएंगे? फ्रॉम यू। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर दिस टाइम, फोर इंस्टेंस, हैव नो ऑब्जेक्शन, आई एम, आई अग्री विद, आई एम एबल टू, फैक्ट ऑफ द मैटर, एवरीवन, every day, every morning. next word है आपका every direction. every direction कैसे बनेगा आपका? every direction, every consideration, स्टेनो से लेके आपको कोई भी रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप मुझे इसी नंबर पे। सो आपको जो भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट मे नॉट बी, इट मे सीम, एंड इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल आप ऐसे बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एबल टू अग्री, एबल टू अग्री, एबल टू डील। सो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। और ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 10 बार भी लिख लोगे ना तो इनफ है आपके लिए, ठीक है? ये अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको कभी नहीं भूलोगे, 100% श्योर आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगी। जो भी आप स्टेनो में लिखोगे उससे पहले आपको आते होंगे वो वर्ड्स की, वो कैसे बनेगा। एट द प्रेजेंट टाइम, एज फार एज सुन एज पॉसिबल, बी एबल टू, बिफोर हिम, कॉल दैट, कॉल्ड अपॉन, कॉल इट, अपीयर, कुड बी, कुड हैव बीन। सो ये सारे वर्ड्स आज के आप कंप्लीट कर लो, इतने वर्ड्स आपके लिए इनफ है। साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो प्लीज, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेटर है। तो जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करो, आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी स्टेनो में और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। इससे ज्यादा आपको मेहनत करनी ही नहीं है कहीं, आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली इम्प्रूवमेंट होगी। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतने बच्चों को बेनिफिट होगा और वो अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।